सो हे गाइस, मेरा नाम है संतोष एंड वेलकम टू न्यूज वाला। सो जैसे कि आप सभी को पता है, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बर्थडे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे माननीय नरेंद्र मोदी जी। चलिए बात करते हैं आज की फर्स्ट स्टोरी के बारे में। तो आज की फर्स्ट स्टोरी पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहीन फरीदी से रिलेटेड। अगर काफी सारे अभी आर्टिकल्स वगैरह आ रहे हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनकी एक वीडियो कॉल की जो चैट थी ना, वो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। उसकी इमेजेस काफी ज्यादा अभी टाइम पे जो वायरल हो रही है। आर्टिकल में यहाँ पर देख सकते हो, क्लियरली यहाँ पर लिखा है कि जो शाहीन फरीदी है ना, वो वीडियो चैट का वीडियो कॉल किसी को कर रहे होते हैं, वहां पर वो मास्टर बेसिंग करते हैं। को लेकर उनको काफी ज्यादा हेट वगैरह मिल रहा है, काफी ज्यादा इनकी वीडियो चैट वगैरह, काफी सारे आर्टिकल्स भी। अगर आप रीड करना चाहते हो कंप्लीट, से लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, वहां से आप लोग कंप्लीट आर्टिकल रीड कर सकते हो। इतनी भी वीडियो चैट की वीडियोस वगैरह जो फोटोस वायरल हो रही है, वो एक टिकटॉकर जिनका नाम है स्टार हरीम शाह, ठीक है, वो भी पाकिस्तानी, उन्होंने सारे सोशल मीडिया वगैरह पे शेयर किए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट है कैरी मिनाटी से रिलेटेड। कैरी मिनाटी अपडेट दी अपने इंस्टाग्राम पर, वो बताया अपनी न्यू वीडियो के बारे में। वो यहाँ पर स्टोरी डाले, अगले वीडियो हरर बकचोदी पे होने वाली, बनाने में थोड़ा सा चैलेंज है, मजा बहुत आ रहा है। इसको आपको पता चली गया होगा, काफी कमाल की वीडियो शायद उनकी बनने वाली है। जब भी वीडियो आएगी मैं अपडेट जरूर दूंगा आपको। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट है हर्ष बेनीवाल से रिलेटेड। हर्ष बेनीवाल ने एक वेब सीरीज आई थी कैंपस ड्राइव, जो कि एमएक्स प्लेयर पे आई थी, तो इसी को लेकर उनको एक अवार्ड मिला है, ठीक है। यहां पर वो अपनी स्टोरी में लेके, गाइस वी डिड टू इमोशनल राइट नाउ दिल्ली आपके अवार्ड के साथ एक सेक्सी स्पीक और स्पीच डालता। देन वो यहां पर लिखे, सुधीर भैया तो इलेक्शन हारे बट परफॉर्मेंस का अवार्ड जीत गए। देन यहां पर देख सकते हो, लिखो स्पोर्ट्स अवार्ड 2022, जो कि उनके कैंपस डायरी जो वेब सीरीज थी ना, उसी को लेकर उनको ये अवार्ड दिया गया। एंड देन एमएक्स प्लेयर पे वेब सीरीज, तो एमएक्स प्लेयर भी आल्सो इसी चीज पे रिएक्ट किए, यहां पर ट्वीट किए, हियर वी ऑल वेंट जेन्युइन, थैंक यू स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर एक्नॉलेजिंग द बेस्ट ईयर। एंड देन यहां पर देख सकते हो, यहां पर बताया कि स्पोर्ट्स नॉलेज 2022 का अवार्ड मिला है जो हर्ष बेनीवाल है ना, उनके जो अवार्ड है ना, उनको कॉमिक रोल बेस्ट परफॉर्मेंस के कॉमिक रोल के लिए मिला। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट है फिजिक्स वाला से रिलेटेड। फिजिक्स वाला की आए दिन कोई ना कोई वीडियो वगैरह वायरल होते रहते, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले मतलब कि वो कोई डिजिटल बोर्ड पे कोई एब्यूसिंग वीडियोस वगैरह चल रहे थे, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो अभी एक फिर से एक और वीडियो वायरल हो रहा है, ठीक है, जिसपे कि आप देख सकते हो, यहाँ स्टूडेंट अपने टीचर से एक डाउट रहता है जो कि पूछता है, ठीक है। जो टीचर है ना, स्टूडेंट्स को काफी भला बुरा सुना देते हैं। वीडियो के क्लिप में आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूं। उसे सेम आया कि नहीं आया? अभी आनंद कुमार को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आनंद कुमार अपनी खोपड़ी लो, जमीन में इतनी बार पड़ गो खरबूजा जैसी खुल जाए यार। इनको ये नहीं समझ में आ रहा, बताओ क्या करें यार। मतलब आजकल कोई भी आईटी की तैयारी कर रहा है, इतना गुस्सा आता है ना पकड़ के। तुम बेटा जाओ बर्तन मांझने की तैयारी करो, आनंद कुमार बत, नाम तुम्हारा आनंद कुमार है। एक आनंद कुमार जानते हो कितने परम भौकाली इंसान है, कितने महान इंसान है। दूसरे तुम बेटा बर्तन को जीभ से ये टंग उससे मांझने की बेटा तैयारी करो। तुम पढ़ने लायक हो नहीं आनंद कुमार, तुम सही बता रहे। बर्तन हाथ से ना मांझना, एक होटल में जाके काम करो, जीभ से रगड़ रगड़ के साफ करना, यहां लगाना निरमा, बहुत सही मानजोगे तुम। बिल्कुल यही नहीं समझ में आ रहा इस गवर्नमेंट। देन इस वीडियो को पीपो अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर किया, यहाँ पर लिखे, आई हैव अ हग रिस्पेक्ट फॉर एजुकेटर्स बट व्हेन द ब्रांड बिकम बिग द वैल्यू सिस्टम जनरली गो टू डाउन इफ द कोर्ट डज नॉट फॉल इट डाउन एट एवरी लेवल इन द सेम वे कम्स फ्रॉम द टॉप। देन वो यहाँ पर फिजिक्स वाला को मेंशन किया, यहाँ पर लिखे, सर होप यू आर डू समथिंग अबाउट इट। तो अलग पांडे सर इस चीज पे अभी तक कोई रिएक्शन वगैरह अपना नहीं दिया, इस पे कोई भी रिएक्शन आता है उनका मैं आप सभी के साथ में जरूर शेयर करूंगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट है अमित बड़ाना से रिलेटेड। जैसे कल वाले मैंने वीडियो में बताया था, अमित बड़ाना अपनी स्टोरीज वगैरह लगाए थे इंस्टाग्राम पर, वहां पर बताया था अपनी नेक्स्ट शो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, उनको शो आने वाला जिसमें कि वो विलेन का रोल यहां पर प्ले करने वाले हैं, जो कि अमेजोन मिनी टीवी पे आने वाला है। कल इसका जो टीजर है वो भी आउट हो चुका है। सो अगर आप टीजर देखना चाहते हो, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, अमेजोन मिनी टीवी का जो ऑफिशियल पेज है ना, यहाँ पर इंस्टाग्राम पर या फिर अमित बड़ाना के पेज पर भी आप जाकर देख सकते हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट है संदीप महेश्वरी से रिलेटेड। संदीप महेश्वरी कल अपने कम्युनिटी टैब में यहाँ पर लंबा सा पोस्ट आया, कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह लगा, जो कि प्रखर ने उनको नोटिस दिया था ना, उन्होंने जो प्रखर को नोटिस दिया था ना, उनके कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह यहां पर लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, यहां पर लिखा है आवर नोटिस, एंड यहां पर एक लाइन लिखी है, देन यहां पर हिज नोटिस, एंड देन वो एक लंबा सा पोस्ट लिखे। अगर आप फुल रीड करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। और वो क्लियरली मेंशन किए कि ये जो केस है ना, सिर्फ मेरे अकेले के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, उन्हें काफी सभी यूट्यूबर्स के अगेंस्ट है, ठीक है। जैसे मैंने श्वेता वाले वीडियो में बताया था कि 16 यूट्यूबर्स के लिंक उन्होंने मेंशन की थी, उन वीडियोस को यूट्यूब पर से हटाने के लिए, ठीक है, जो कोर्ट है वहां पर अपील की थी। तो लेकर यहां पर वो जस्ट कम्युनिटी टैब में डाले, यहां पर बताया कि वो 60 और भी यूट्यूबर्स का नाम इसमें मेंशन है, उनके अगेंस्ट भी ये जो नोटिस है ना वो आएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट है पंकज त्रिपाठी से रिलेटेड। पंकज त्रिपाठी का एक इंटरव्यू वीडियो आउट हुआ था, वहां पर उन्होंने बताया कि
जितने भी उन्होंने देखा होगा काफी सारे उनके वेब सीरीज वगैरह आई थी, काफी सारे मूवीज वगैरह आई थी जहां पर वो अब्यूजिंग वर्ड्स का यूज करते थे, ठीक है, गाली गलौज वगैरह ऐसे वर्ड्स का यूज करते थे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि अब से वो ऐसे वेब सीरीज एंड मूवीज वगैरह नहीं करेंगे। एंड वो यहाँ पर लिखे, जी मैंने तय कर लिया है कि मेरे जितने भी किरदार होंगे वो अति आवश्यक होंगे, तो मैं उसमें क्रिएटिव तरीके से दिखाऊंगा। ये भी कहे कि मैं कोई भी अब्यूजिंग वर्ड अपने टीवी शोज या फिर वेब सीरीज या फिर मूवीज वगैरह में यूज नहीं करूंगा। तो बस यार यही थी आज की सारी अपडेट। आई होप वीडियो आपको अच्छे लगे लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। आई नो काफी कम ही अपडेट थी, बट जितनी भी थी मैंने आप सभी के साथ में शुरू किया, जितनी जल्दी हो सके आप सभी के साथ में शेयर करना चाहिए, ठीक है। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो अभी सभी दोस्तों का शेयर करना। आपके पास बेसिक कोई न्यूज है नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे, वहाँ पर अपनी न्यूज सबमिट कर सकते हो। बाकी ऐसे वीडियोज के लिए सब्सक्राइब तो करोगे आप, ठीक है ना, कर लो।